खबर से था सभी लोग पहले से रूबरू बाड़न की भोजपुरी शेर पवन सिंह बीसबी में शामिल हो गए बाड़न। और पवन सिंह पार्टी में शामिल होकर के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू भेल रहनी और मीडिया के सवाल के जवाब भी देले बाड़न। तो चलिए देखे कि पवन सिंह का कुछ कहले रहनी। मैं मेरा ये कोई लालच नहीं है कि हम सांसद बन जाएं या मंत्री बन जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हिंदुस्तान का बेटा हूं और एक देश का सच्चा नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि जहां पे एक ही बात हो और एक ही चर्चा हो कि सबका साथ और सबका विकास, जहाँ यही चर्चा हो कि सबका साथ और सबका विकास, सिर्फ पवन सिंह का और प्रिंस सिंह का, अरुण सिंह का और अयाज का, सबका हर हर महादेव, ये नहीं, जो छोटे हैं बड़े हैं मीडियम हैं, सबका साथ सबका विकास। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसी कदम में कदम मिला के चले। जी, तो राव लोग जैसन की देख ले कि पवन सिंह के ही बात तो सुन के ऐसी लगा था कि पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के वजह से ही पार्टी में शामिल भैले बानी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से प्रियंका राज की रिपोर्ट।